उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2024। आज की वीडियो में हम फुल डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम है उत्तराखंड का, जो UBTR आपका कंडक्टर आता है, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम फुल डिस्कस करेंगे फॉर्म आपको कैसे भरना है। ध्यान देने स्टूडेंट, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगामी दिनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, चाहे हो नेगेटिव मार्किंग के रिगार्डिंग हो, सिलेबस के रिगार्डिंग हो, स्ट्रेटजीज के रिगार्डिंग हो, हर चीज़ मैं आपको आगामी दिनों में वीडियोस में प्रोवाइड करूंगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले दिनों में आपके लिए आने वाली है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट। सबसे पहले ध्यान देना स्टूडेंट, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है यहाँ पे 15 अप्रैल 2024 तक रहने वाली है। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में फुल वीडियो डाल रखी है कि कहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी है। वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं एलिजिबिलिटी इसी वीडियो में कंसीडर कर दूंगा। और ध्यान देना स्टूडेंट, फीस के रिगार्डिंग यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपकी कैटेगरी जनरल और OBC है देन आपकी फ़ीस यहाँ पे 800 रुपीज़ रहने वाली है। SC ST कैंडिडेट है देन आपकी फ़ीस यहाँ पे 500 रुपीज़ रहने वाली है। सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, आपको गूगल पे आना है, गूगल पे सर्च करना है UBTR। जैसे आप UBTR सर्च करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। पहला जो लिंक आप देख रहे होंगे UBTR.in, नॉर्मली आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। नॉर्मली आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे JEE 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं तीन प्रकार के फॉर्म आपको शो करूँगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस कर ले तो स्टूडेंट, फिर आगे बताऊंगा कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ग्रुप ENT जो है स्टूडेंट हो उन कैंडिडेट के लिए है जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड 3 वर्ष का कोर्स, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंजीनियरिंग हो, जितनी भी ब्रांचेस आपकी आती है, केमिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं। हाई स्कूल बेस मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है स्टूडेंट 10th बेस में है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है स्टूडेंट, अगर आप अपेयरिंग में, कहने का मतलब 10th या 12th का पेपर इस बार दे रहे हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम में, देन आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे रखना स्टूडेंट, ग्रुप ई में मैथमेटिक्स आपकी क्लास 10th में कंपलसरी होनी चाहिए और जो मिनिमम मार्क्स है आपके 33% यहाँ पे क्लास 10th में होने चाहिए, देन आप ग्रुप ई का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। सेम ग्रुप पी की बात करेंगे तो ग्रुप पी हो स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जिनकी क्लास 12th में बायोलॉजी है, कहने का मतलब है जिनके पास बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश या हिंदी की सब्जेक्ट है, हो स्टूडेंट ग्रुप पी के लिए एलिजिबल है। अगर आप 12th में अपेयरिंग है देन आप ग्रुप पी फार्मेसी का कोर्स, जो 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है, उसके लिए आप एलिजिबल है। यहाँ पे तीसरे कोर्स की यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट ग्रुप ए के, तो ग्रुप ए के अंतर्गत हो स्टूडेंट आएंगे जो लेटरल एंट्री, कहने का मतलब जिन स्टूडेंट के पास क्लास 12th में मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट है या जिन स्टूडेंट ने 2 वर्ष का ITI का डिप्लोमा किया है, हो स्टूडेंट ग्रुप ए लेटरल एंट्री का कोर्स है। सेम जैसे ग्रुप ई होता है स्टूडेंट, ग्रुप ए वैसे ही होता है, लेकिन डिफरेंट यहाँ पे ये होता है अगर आपके पास 12th में मैथमेटिक्स है देन आपको बेनिफिट यहाँ पे ये मिल जाता है। इस कोर्स, इस ग्रुप ए का फॉर्म भरने से आप 2 वर्ष का, जहाँ पे 3 वर्ष का जो डिप्लोमा का कोर्स है वहाँ पे आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स हो जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। नॉर्मली हम ग्रुप ई की बात करें, सेम इंटरफेस दोनों तीनों फॉर्म का होने वाले स्टूडेंट। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ। इसी वीडियो में मैं फोटो साइंस से रिलेटेड अपलोडिंग हर एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगी स्टूडेंट, तो वीडियोस को पूरी देखना। ध्यान देना स्टूडेंट, तीनों का फॉर्म जैसे मैंने कहा कि सेम रहने वाला है। जैसे यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस तीनों फॉर्म में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको एप्लीकेंट नेम, जो आपका 10th के रिजल्ट में है, हो नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, फादर्स नेम भी आपको 10th के रिजल्ट में मेंशन करना है, जो मदर्स नेम है जो 10th के रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको ये तीनों डिटेल भरनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल आपको यहाँ पे फिल करना है, नेशनलिटी यहाँ पे आपको इंडियन फिल करना है, आर यू बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड। ध्यान देना स्टूडेंट, अगर आप आउट ऑफ उत्तराखंड वाले स्टूडेंट हैं, एक कंडीशन में ही आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, अगर आपने 10th और 12th उत्तराखंड बोर्ड से ही किया है, कहने का मतलब उत्तराखंड स्टेट से ही किया है, देन आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अगर आपने उत्तराखंड राज्य से, चाहे वो CBSE की बात करें, स्टेट बोर्ड की बात करें, अगर आपने उत्तराखंड स्टेट से किया देन आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना जो आउट ऑफ उत्तराखंड स्टूडेंट है। आर यू बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड, यस करना है। कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, अगर OBC है तो OBC, जनरल है तो जनरल, SC है तो SC, ST है तो ST, EWS है तो EWS आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सब कैटेगरी में आपको नॉर्मली नन सेलेक्ट करना है, अगर आप PH कैंडिडेट हो तो PH, नहीं तो आपको नॉर्मली नन सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपके पास NCC है स्टूडेंट तो NCC, A है तो A, B है तो B, C है तो C यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको नॉर्मली नन पे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अपना मोबाइल नंबर डालना स्टूडेंट, क्वालिफाई
एग्जामिनेशन, यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट, अगर आप 10th का यहाँ पे ग्रुप ई के लिए एलिजिबिलिटी की बात मैंने ऑलरेडी शुरू में डिस्कस कर लिया था, ग्रुप ई में यहाँ पे हाई स्कूल शो करेगा, ग्रुप बी में इंटरमीडिएट और ग्रुप ए लेटरल एंटी में या इंटरमीडिएट या आईटीआई, इन दोनों में से अगर आपके पास जो चीज़ है वहाँ पे वो सिलेक्ट आपको एलिजिबिलिटी में करना होगा। यहाँ पे आपको हाई स्कूल सेलेक्ट करना है। अगर आप क्लास 10th या 12th में अपेयर है तो अपेयरिंग यहाँ पे फिल करना है। अगर आपने कंप्लीट पास आउट कर लिया तो पास आउट आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद अपनी एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है जहाँ पेपर देना चाहते हैं। ध्यान देने स्टूडेंट, एग्जामिनेशन सिटी नेम फर्स्ट में जो सेलेक्ट आप करोगे वहीं आपका सेंटर यहाँ पे पड़ेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है स्टूडेंट, इसको ब्लैंक छोड़ देना आप। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है, एड्रेस के बाद स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, पिन कोड डालना है। उसके बाद जो एड्रेस आप जहाँ रह रहे हो वही डालना है। उसके अलावा परमानेंट एड्रेस पे इस सेम एज कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस पे ही क्लिक कर देना स्टूडेंट। यहाँ पे आपको घबराने की दिक्कत नहीं स्टूडेंट, आपका जो एडमिट कार्ड है ऑनलाइन आता है तो इसलिए आप पैनिक होने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी हुई डालनी स्टूडेंट जो आपके मोबाइल फ़ोन पे है। अपनी ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड डालना, ईमेल आईडी यहाँ पे सही डालना स्टूडेंट, वरना काउंसलिंग के समय आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। पासवर्ड आपको कैसे क्रिएट करना स्टूडेंट ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका नाम अमन है तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, अपने नाम का पहला अक्षर कैपिटल बाकी सब स्मॉल, @123। इस तरीके से आपको पासवर्ड बनाना है, अपने नाम का पहला अक्षर कैपिटल बाकी सब स्मॉल, @123। इस तरीके से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद ये कैप्चर कोड यहाँ पे फिल करना है। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, क्लिक हियर टू मेक ऑनलाइन पेमेंट। ध्यान देने स्टूडेंट, यहाँ पे फीस के लिए हमेशा डेबिट कार्ड के थ्रू ही आप पेमेंट करना, कभी भी गूगल पे के थ्रू पेमेंट मत करना, नहीं तो आपका पेमेंट फंसने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसलिए मैं आपसे रिकमेंड करूँगा अपना पेमेंट डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू ही करना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जैसे आप पेमेंट कर लोगे, पेमेंट करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन आएगा अपलोड फोटो एंड साइन। तो ध्यान देना स्टूडेंट, फोटो एंड साइन कैसे अपलोड करना है मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। फोटो का जो साइज होगा वो होगा 20 KB से लेकर 40 KB के बीच और साइन का जो KB होगा 10 KB से लेकर 20 KB के बीच होगा। अब ध्यान देने स्टूडेंट कैसे अपलोड करना है, नॉर्मली गूगल पे सर्च करना है। सबसे पहले फोटो आप अपलोड कर रहे हैं, फोटो रिसाइज, यहाँ पे आप ध्यान देने स्टूडेंट जैसे मैं लिख रहा हूँ रिसाइजर अप टू 30 KB, क्योंकि 30 KB ऑनलाइन आपको सिर्फ ऐसे लिखना है स्टूडेंट। ये सिर्फ पहले फोटो के लिए बता रहा हूँ स्टूडेंट, फिर साइन के लिए मैं बताऊंगा। पहला ऑप्शन आप देख लोगे रिसाइज इमेज टू 30 KB ऑनलाइन, आपको सेलेक्ट इमेज पे जाना है, यहाँ पे अपनी फोटो सेलेक्ट करना है। जैसे आप फोटो सेलेक्ट करोगे यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू डाउनलोड योर फोटो। आप जैसे उस फोटो को डाउनलोड कर लोगे आपका जो फोटो का साइज है ऑटोमेटिकली यहाँ पे 30 KB हो जाएगा जो आपने अपने कैमरे के फोन से खींची होगी। सेम चीज़ें आपको साइन को अपलोड करने के लिए यहाँ पे लिखना है फोटो रिसाइजर अप टू 20 KB ऑनलाइन, आपको नॉर्मली रिसाइज इमेज अप टू 20 KB ऑनलाइन पे क्लिक करना है। सेलेक्ट फाइल्स अपने कैमरे के फोन से जो मोबाइल फोन है वहाँ से जो आपने साइन किया है वाइट पेपर पे वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आएगा नीचे ऑप्शन आएगा क्लिक किया तो डाउनलोड। जैसे आप नॉर्मली वहाँ पे डाउनलोड कर लोगे आपकी फोटो साइज फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे रिसाइज होकर आ जाएंगे। फुल वीडियो में वीडियो के लास्ट में भी आपको बता दूंगा विद प्रूफ, वहाँ पे मैंने बता रखा स्टूडेंट कैसे कैसे करना है। जैसे आप फोटो साइन अपलोड कर लोगे उसके बाद ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म। नॉर्मली आपको उसका फॉर्म का PDF अपने पास संभाल के रखना स्टूडेंट, और PDF आपके काम आएगा जब आप एडमिट कार्ड निकालेंगे। और बाई चांस आपका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा होगा तो वही नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। आई होप ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रही होगी। अनदर क्वेरी आपके फॉर्म के रिगार्डिंग है और कुछ भी प्रॉब्लम आपको आती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टूडेंट। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।